गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते एवं राहत की दर में 4% की वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में भीड़ न जुड़ने पर भी तंज कसा है। शिवराज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते एवं राहत के दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। साथ ही निवाड़ी जिला में जिला पेंशन कार्यालय खोलने को लेकर भी फैसला कैबिनेट बैठक ने लिया है। कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास विभाग में प्रशासनिक न्यायिक की नियुक्ति का कार्यकाल भी बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही कई अन्य फैसले कैबिनेट द्वारा लिए गए हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्य आज विधानसभा के समिति कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अनुसमर्थन आज शासकीय सेवकों और पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते राहत दर को 1 जनवरी 2023 से वृद्धि करने का आज कैबिनेट के द्वारा निर्णय किया गया है। आज कैबिनेट में निवाड़ी जिले में जिला पेंशनर कार्यालय खोले जाने और पदों की स्वीकृति का भी कैबिनेट के द्वारा आज तय किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि भीम आर्मी की रैली में भी 50,000 लोग थे, लेकिन कांग्रेस की रैली में 10,000 लोग भी नहीं आ पाए। इससे साफ पता चलता है कि जनता ने इसको नकार दिया है। साथ ही गृह मंत्री ने आप पार्टी को कांग्रेस की भी पार्टी बताया और कहा कि प्रदेश की जनता ने भी तीसरे मोर्चे को स्वीकार नहीं किया है। भीम आर्मी की रैली जो अभी छोटी सी पार्टी है उसमें 50,000 से ज्यादा लोग थे, इनकी में ये खुद ही कह रहे हैं कि 10,000 कोई भी नहीं कह रहा है, कोई 5 कहता है, कोई 2.5 कहता है, कोई 10 कहता है, लेकिन सब मिला के कोई 10 से ऊपर नहीं कह रहा। और वो जो पार्टी थी, चाहे भीम आर्मी आई हो, चाहे उसके एक महीने पहले एक और सेना आई थी, वो भी लाखों में हो गए थे, ये सैकड़ों में हजारों में भी नहीं हो पाए। एक फ्लॉप शो था कांग्रेस का। चलो चलो करने वाले व्यक्ति थे तो जनता ने अब चलता कर दिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।